वेलकम टू माई पंजाबी किचन गार्डन चैनल जी। आप सारे ने मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। अज अप्रैल का महीना चल रहा है और मैं आप जी वास्ते वीडियो लैके आई हाँ कि भिंडियां दे बीज हो लेडी फिंगर उन्होंने जल्दी जर्मिनेट किस तरह कर सकते हैं। तो उदी प्रोसैसिंग इस तरह है कि मैं देखो ए कुछ दिन पहला ही एक दो दिन पहला भिंडियां दे जो बीज ने द सीड ऑफ लेडी फिंगर इन्हों मैं भिओ लिया सीगा पानी च, तो ये जर्मीनेट हो गए ने। तो इन्हों हूँ मैं उगा दाँगी। उगा दा जो उगा की प्रोसैसिंग हैगी इस तरह जी, इस प्रोसैस में तुम उगाओगे तो बहुत जल्दी भिंडियां दे जो बूटे वो तैयार हो जाएंगे। ए देखो जी, ए पहले मेरा गार्डन जो ये मेरे जो लगे हुए ने मूंगरे और ये पहले यह देखो रेडिश लगी हुई सी मूलियाँ और यह जो इन्हों यूज़ करन तो बाद जो मूलियाँ बचिया उन्होंने मूंगरे निकल आए और हुण मूंगरे असी काफ़ी ज़्यादा यूज कर चुके बना चुके हैं बना के खा चुके हैं और हुण ये जो है इत्थे हुण भिंडियां दी जो है पौधे लगाने की प्रोसैसिंग शुरू हो जाएगी। यह देखो मैं लकड़ दे नाल एक स्टिक ले लो उहदे नाल इन्ना कुछ शेक करना है। यह देखो शेक कर रही हूँ क्योंकि मैं क्यारी तो बाहर निकल के शेक कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ा टफ लग रहा और बाकी जो उधरों की साइड तो छेद आएंगे वो क्यारी के उपर बैठ के आएंगे। तो इन्हों इस तरह से करना है। देखो ए 1, 2 एंड 3, 4 फोर बीजेस लगा लो चाहे 2 बीज लगा लो एज योर विश। ए देखो 2, 2, 3, 3 बीज जो है मैं देखो मैं लगा दते हूँ। असं की करना है कि उपर ये सुकी मिट्टी जो गार्डन सोयल है वह गिली ना होए सुकी मिट्टी जो असी ये उपर पा दें, ठीक है जी। एंड सेकेंड वन यह क्यारी है जी क्योंकि इतने पहले मूलियाँ जो असी लगा चुके हूँ। मैं जो नीचे वाली मूलियाँ की जो नीचे वाली जगह होंगी बट्टा नहीं वो तो नीचे वाली जगह एज सेकेंड जो वो सब्जी जो है वो प्रोसैसिंग कर रही सब्जी यानी कि भिंडियां की। देखो थोड़ी थोड़ी दूरी पर असी छेद करके ए जो बीज जो है भिंडियां ये नाल बहुत ही जल्दी बूटा तैयार हो जाता भिंडी का। क्योंकि हाफ जो प्रोसैस है वो बीज का पहले हो चुका। अगर तुसी भिंडियां का बीज जो है उस तरह ही लगाओगे भिंडी के बीज जो बिना गिले कितने लगाओगे तो मिनिमम 15 डेज लग जाएंगे भिंडी के बीज नूं पुंगरन च। अगर तुसी इस तरह लगाओगे तो 2 या 3 दिन के भिंडियां के बीज जो उगने उगने शुरू हो जाते हैं। उस वास्ते आई थिंक 13 डेज जो थोड़े बच जाते हैं, उस तो बाद 15 दिनों के भिंडी का बीज जो वो बूटा बन जाता है। तो आई थिंक अजकल तो तुहानूं पता ही है कि हाईब्रिड बीज आ रहे सारे, तो हाईब्रिड छोटे छोटे बीजा ही जो बूटे बनते उन्होंने भिंडियां लगनी शुरू हो जाएं। तो असं बड़े आराम के नाल घर दी भिंडियां जो वो अपने घर तैयार करके खा सकते हैं जी। सो हुण इहनूं शावरिंग कर दिंदे थोड़ी थोड़ी जी पानी पा दिंदे। ए देखो जी शावर करन दा तरीका इस तरह, जां तो बॉटल दे विच उहदे जो ढक्कन है उहदे च छेद कर लो और बॉटल च पानी भर लो, जां फिर तुसीं तुहाडे कोल शावर है
ਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਟੂਲ ਜੋ ਹੈ ਗੈਜਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਆ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਿਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗਾਰਡਨ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਟੈਰਿਸ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਇਸਚਰ ਆ, ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਰਡਨ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਥਡ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ।